तीन रात में सोया ना था मैं, वो तो था तेरे आदमी भूला। लोग कहते हैं दोस्तों, जो आपने अभी अभी चित्र देखे हैं ये उस एक्सीडेंट के हैं जो अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई है। इस घटना में एक राइडर, KTM राइडर, वो मोर देन 120 की स्पीड से जा रहा था और जा टकराया वो एक स्कूटी के साथ, जिस कारण उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उसके फ्रेंड अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है जो उसके साथ बैठे हुए थे, उसकी मदर अभी भी लोगों से डिमांड कर रही है कि मेरी मदद कर दो। तो दोस्तों, अगर आप भी हेल्प कर सकते हो तो आप प्लीज़ हेल्प करिए। लेकिन ये वीडियो की मैसेज से मैं ये बस बोलना चाहता हूँ कि क्या मिल गया, तेज चलाकर क्या मिल गया। खुद तो दुनिया छोड़कर चले गए लेकिन पीछे रोने वाले कितने बैठे हैं। जो आजकल के मोटो व्लॉगर्स ये लोगों को इंस्पायर करने की जगह लोगों को गलत सोच डाल रहे हैं कि तेज चलाने से शायद हम बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और उन मोटो व्लॉगर्स को टैग करो जो आपको स्टंट्स दिखाते हैं, जो आपको रैश ड्राइविंग दिखाते हैं। उनको तो आती नहीं आती ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मोटो जीपी में रेसिंग करने वाले भी घिरते हैं, जिनके पास दो दो लाख की एसेसरीज वाले सूट्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, लेदर जैकेट्स, हेलमेट्स, ग्लव्स, इतना कुछ होने के बावजूद वो मेजर इंजरी के काजेस बनते हैं उनके। और मैंने कितने बेड पे देखे हुए हैं जो मोटो रेसर्स होते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आपको फास्ट चलानी भी है तो वो एक सिचुएशन, एक जगह होती है। आप किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि फ़ास्ट ड्राइविंग करें। अब सबके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट नहीं होते हैं, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी किया ना बहुत गलत किया है। मैं कहता हूँ कि जो आज जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम जतिन था, तो वो काफ़ी अच्छा एक हैंडसम लड़का था, लेकिन उसकी जब डेथ हो गई तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन हमसे ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा दुख जो उसके माँ बाप को हुआ है, उन माँ बाप को इतना दुख है कि वो हम जाहिर भी नहीं कर सकते। लेकिन वो भी किसी माँ बाप का बच्चा था, तो उसने भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं से कॉपी ही की होंगी। उसने भी किसी इन्फ्लुएंसर को देखा होगा, किसी मोटो ब्लॉगर को देखा होगा, जिसको देखकर उसको बाइक रैश ड्राइविंग करने का मन किया होगा। अगर आप लोग रैश ड्राइविंग करते हो तो कम से कम लोगों को इतना तो बताओ कि आपको ये ड्राइविंग करने से पहले कितने की किट पहननी चाहिए, कि बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो जाए तो अगर आपने 200 रुपये वाली हेलमेट डाली हुई है तो आप नहीं बच सकते। ये कोई मोटो ब्लॉगर नहीं बताता, कोई मोटो ब्लॉगर ये नहीं कहता कि हम लोग कभी कभार ओवर 100 जाते हैं, ऐसे हम आराम से चलाते हैं। वीडियो में आप लोग स्टंट्स करते हो, उसके बाद उस स्टंट्स को शॉर्ट्स में डालते हो, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, रील्स में डालते हो, टायर उठाते हो, व्हीली करते हो, ये करते हो। कभी आपने दिखाया है उनको कि हमें ये चीज़ सीखने में कितना टाइम लगा? जो चीज़ आप 3 साल में सीख कर रख कर रहे हो वो लड़का 2 दिन में सीख कर करेगा तो उसको लगेगी नहीं। गाइस, इस वीडियो का मकसद बस यही है कि जितना ज़्यादा लोगों को मैं समझा सकूं कि आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। और मोटो व्लॉगिंग मैं तो कहता हूँ सिर्फ ट्रैवलिंग पे बनाओ। मोटो व्लॉगिंग का मतलब है कि आप एक बाइक के थ्रू, अपनी व्हीकल के थ्रू आप दिखाओगे कि आप किस जगह पर जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो। ये नहीं है मोटो व्लॉगिंग का मतलब, ये नहीं है कि हम लोग 100 के ऊपर चलाएंगे। साफ मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोटो व्लॉगिंग इज़ नॉट फॉर स्पीड राइडिंग और रैश ड्राइविंग। इट्स जस्ट फॉर फन, इट्स जस्ट फॉर व्यूइंग द नेचर, इट्स नॉट फॉर रेसिंग। तो मोटो व्लॉगिंग एक स्पोर्ट्स नहीं है, मोटो व्लॉगिंग एक, हमारा अब मेरे मुंह में वर्ड आ नहीं रहा है, मोटो व्लॉगिंग एक तरह की वो चीज़ है जिससे हम लोगों को एक्सप्रेस करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या देख, हम जो देखेंगे मतलब हम नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, उनको दिखाते हैं। मैं कहता हूँ व्लॉगिंग के कल्चर में ना लोग गलत चले गए हैं। अब मुझे इतना ज़्यादा दुख है कि मेरा फ्रेंड था जो, जिससे मैं मिलता भी था, आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ा, लोग उसकी वीडियोस डालते हैं कि भाई आई मिस यू, ये वो है, 2 दिन बाद भूल जाएंगे।
और खुद वो इतनी गंदी ड्राइविंग करते हैं। मैं जानता हूँ भाई, जो भी वीडियो देख रहा है ना, जो उसके फ्रेंड्स हैं, मैं सबको मिल चुका हूँ, सबको मुझे पता है कि वो किस टाइप की ड्राइव करते हैं। दो की हालत आप लोगों ने देख ली है, और मुझे सुनने में आया कि एम्बुलेंस में जब वो जतिन की बॉडी को लाया जा रहा था, तब भी आप लोग रैश ड्राइविंग करके आगे पीछे वहाँ पे पब्लिक को कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? आगे बेचारा वो जो बंदा बच नहीं पाया, उसके लिए आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे थे। ये गलत है, आपके भी माँ बाप हैं, बहुत कुछ आपको भी लाइफ में अभी देखना है, तो ये ड्राइविंग के साथ आप लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये स्कूटीज जो हैं, ये स्कूटीज पे जो लोग कट मारते हैं या कुछ भी रैश ड्राइविंग करते हैं, एक मैं कहता हूँ कि वो किस तरीके की रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। स्कूटी एक सिटी बेस्ड चलने वाली चीज़ है, वो 60 से अबव चलाओगे तो वो बिल्कुल भी स्टेबल चीज़ नहीं है। स्कूटी को आप 60 से अबव नहीं चला सकते, और वो सिटी के अंदर ही चलाने के लिए आप हाईवेज पे जाते हो, कट मारते हो। अब ये KTM वगैरह जो आजकल के ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने ABS दिया है, और ABS ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग स्टंट्स मार करोगे। दोस्तों बस आखिरी ख्वाहिश आपसे यही है कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते करो, और बाइक को आराम से चलाओ।